तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अननोन टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको एक स्पेशल करेक्टर के लिए अपना खुद का कस्टम करेक्टर कैसे बनाते हैं ये बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, क्रोमाटून की जो बिग अपडेट आई हुई है जिसमें मैंने कई करेक्टर आपको दिखाए थे और एक वीडियो में कस्टम करेक्टर भी ऐड करके दिखाया था। और दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि अब ये कस्टम करेक्टर कैसे बनाएंगे क्योंकि वो करेक्टर ऐड नहीं हो रहा है ठीक से उसमें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेशल करेक्टर जो हमारे एसपी करेक्टर हैं उन करेक्टर के लिए अपना जो कस्टम करेक्टर है वो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बिना इस तो स्पेशल करेक्टर के लिए अपना कस्टम करेक्टर बनाने के लिए आपको चले जाना होगा अपने IBIS पेंट ऐप। तो यहाँ देखिए, हम आ चुके हैं अपने IBIS पेंट ऐप पर। यहाँ पर आपको माई गैलरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे साइड आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आएगा, आपको समझिए यहाँ से 20:48 का जो रेशियो है वो ले लेना है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में सारी वीडियो में लगभग बताया कि आपको सिर्फ 20:48 का ही जो रेशियो है वो लेना है, यानी 20:48 का जो रेशियो है वो आपको ले लेना है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यही वाला रेशियो लेना है, अदर में कोई रेशियो नहीं लेना, नहीं तो आपका जो करेक्टर है वो ऐड नहीं होगा। अब दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको एयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों, यहाँ कैमरे पर जाना है। कैमरे पर जाने के बाद दोस्तों, अब हमको सिंपली यहाँ से अपना जो करेक्टर का PNG है वो ले लेना है। दोस्तों देखिए, हमारा जो करेक्टर का PNG यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ ग्रीन टिक देखने को मिलेगा, आपको ऐसे करें ग्रीन टिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों, यहाँ से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों, ये देखिए इसका जो स्पेशल करेक्टर का जो चार्ट है वो ये चार्ट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे कस्टम करेक्टर बनाना सिखाए हैं, क्रोमाटून के जो करेक्टर हैं, जो सिंपल करेक्टर, उनका कस्टम करेक्टर बनाना सिखाया था और उसका चार्ट अलग था दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये चार्ट अलग है, जो स्पेशल करेक्टर का जो चार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बिल्कुल अलग चार्ट आपको देखने को मिल रहा। अब दोस्तों, आपको इसको करेक्टर कैसे बनाना है। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट भी आएगा कि ये जो PNG है, आपने ये PNG आपने कहाँ से लिए करेक्टर वाली। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये PNG आपको कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों, आपको सबसे पहले हम कस्टम करेक्टर को ऐड करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा देखिए चार्ट आ चुका है। आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली लेयर पर जाना है, फिर यहाँ कैमरे पर जाएंगे, अपना जो करेक्टर का फेस है, जो फेस है आपने जो करेक्टर का फेस बना के रखा हुआ है वो करेक्टर का फेस ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं जो करेक्टर का वो हेड है वो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों देखिए, आपको सिंपली ऐसे करके छोटा करना है, पीछे का ऐसे जूम कर लेना है, डबल फिंगर की मदद से आपको ऐसे करके ऐड करना है। देखिए दोस्तों, इसके आपको कुछ नहीं करना है, इसके हेड पर आपको बस पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी स्टेप है दोस्तों, पिछले वाले में क्या था कि बहुत ही कठिन होता था। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही हेड लगाना है, बार बार ज़्यादा हेड नहीं लगाने हैं। दोस्तों, ये देखिए आपको बस ऐसे करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसकी आँखों पर। ये पेस्ट हो चुका है, होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रीन टिक देखने को मिलेगा, आपको ऐसे कर देना है। करने के बाद दोस्तों देखिए, अगर आप इसका कपड़ा चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप इसका कपड़ा भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ लेयर पर जाएंगे, करेक्टर की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बकेट पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर कोई सा भी कलर फिल कर लेना है। दोस्तों देखिए, हम यहाँ से ब्लैक ही कलर फिल कर सकते हैं, ये देखिए जैसा कलर आप चाहो तो यहाँ से आप फिल कर सकते हो। ये देखिए हम इसका ब्लैक कलर फिल कर लिया है। ये देखिए, तो इस टाइप का देखिए हमारा कलर फिल हो चुका है। होने के बाद दोस्तों देखिए, ये हमारा करेक्टर भी ऐड हो चुका है। अब दोस्तों, आप चाहो तो क्या करना है, यहाँ पर बकेट पे जाएंगे, इरेजर पे जाएंगे, पीछे का हम ऐसे करके इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद दोस्तों, ये देखिए हमारा जो करेक्टर है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए, इसका जो ये अस्तीन है इसका भी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ बकेट पे जाके इसको ब्लैक फिल कर देना है। ये देखिए, हम दोस्तों जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहे हैं, बाकी आप अपना अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस टाइप का आपको यहाँ से कर लेना है। ये देखिए, कर लेने के बाद दोस्तों, आपको सब भी क्या करना है, यहाँ एरो पे जाना है और इसको कर लेना है सेवस ट्रांसपेरेंट PNG। तो दोस्तों देखिए, हम इसको सेवस ट्रांसपेरेंट PNG कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सेव हो चुका है। अब दोस्तों, हम चलते हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन में, वहाँ से आपको ये करेक्टर ऐड करके दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन में, यहाँ से आपको सब क्या करना है, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ऐसे करके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आएगा, आपको सिंपली यहाँ से ओके कर लेना। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको चार करेक्टर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जो हमने SP करेक्टर, जो स्पेशल करेक्टर आपका है उस पर उसका कस्टम करेक्टर बनाया है, तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ SP जो लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले से मैंने अपना जो की कोड वगैरह है यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये की कोड डालना नहीं आता कि ये की कोड कहाँ से लें और इसका जो नाम है वो कहाँ से लें, आपको सिंपली क्या करना है, आई बटन पर मैंने देखिए एक वीडियो का लिंक देकर रखा हुआ, ऊपर साइड आपको देखने को मिल रहा होगा, आप उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो कि अपना की कोड कैसे लेना है।
तो आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए इसमें हम दिखा देते हैं, ये देखिए आपको ये नेम डाल देना है, ठीक है, ओके कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों ये देखिए की कोड आपको डाल देना है, ओके कर देना है। तो दोस्तों देखिए आपको सिंपली क्या करना है, ये की कोड आपको डाल लेने हैं। तो अब दोस्तों इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इसको इंपोर्ट कर देना है। दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का थोड़ा सा लेगा, और हमारा जो करेक्टर यहाँ पर देखिए ये आ चुका है डॉक्टर वाला, साइट पर आपको देखने को मिल रहा होगा। आप जैसे यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो आपको जो ऐड देखने को मिल जाएगा, ऐड के बाद आपका जो करेक्टर है वो आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से ओके कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा करेक्टर यहाँ पर आ चुका है, ये जो स्पेशल करेक्टर हमारा है ये आ चुका है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी करेक्टर हम साइड में कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए जो हमने कस्टम करेक्टर बनाया था उस करेक्टर को यहाँ स्पेशल करेक्टर पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर चले जाना है, और यहाँ पर साइड पर देखिए एक टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका गैलरी का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने गैलरी पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। दोस्तों अभी अभी जो हमने करेक्टर बनाया है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने करेक्टर बनाया था, ये देखिए आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए अब दोस्तों ये देखिए इसका जो एनिमेशन है, आपको एनिमेशन भी करके दिखा देते हैं। ये देखिए दौड़ने का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ठीक है, इस टाइप का दौड़ने का एनिमेशन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्लिक करके यहाँ पर आपको एक और दिखा देंगे, ये देखिए 19 वाला जो हंसने वाला जो एनिमेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो इसकी पलकें हैं वो ठीक से ऐड नहीं हुई, आपको सिंपली क्या करना है, इसकी पलकें ऐसे इरेज करके थोड़ा सा ऊपर बना देना है अपने उसी चार्ट में। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा करेक्टर है ये कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हमने एनिमेशन करके भी दिखा दिया। तो अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं जो स्पेशल करेक्टर का जो ये चार्ट है, जो करेक्टर का PNG है ये कहाँ से मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, चले जाना है यहाँ से बैक। तो ये देखिए हमको सिंपली क्या करना है, ये क्रोमाटून जो है इसको कर देना है बैक। तो यहाँ से देखिए बैक करके आपको फिर से क्रोमाटून पर आना है, ये देखिए हम इसको ऐसे करके बैक कर देते हैं। दोस्तों देखिए आपको फिर से ऐसे क्रोमाटून पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ ट्यूटोरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जो आपका क्रोमाटून की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो गूगल से भी जाकर chromatoon.com लिख के अपना जो वेबसाइट है वो ओपन कर सकते हो। तो अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर इस टाइप का आ चुके हैं। आप दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे करके नीचे चले जाना है बिल्कुल। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए डाउनलोड PLC फाइल कस्टम करेक्टर टेक्चर सेटअप हेयर डाउनलोड। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोर फ्री करेक्टर, सबसे नीचे क्लिक हेयर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए फ्री स्पेशल ह्यूमन करेक्टर विद द फेशियल एक्सप्रेशन फॉर क्रोमाटून एनिमेशन। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसके ऐसे करके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप का एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर देखिए ये देखिए अब यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए यहीं से की कोड आपको कॉपी करना है, यहाँ से आपको की कोड कॉपी कर लेना है। ये देखिए 1 2 यहाँ पर देखिए ये देखिए नीचे साइड जाएंगे 3 4 5 और लगभग 6, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी आपको की कोड देखने को मिलेगी। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब दोस्तों जो हमने टेक्सचर लेना है वो हम कहाँ से लेंगे, तो हमको ऐसे करके नीचे चले जाएंगे। ऐसे हम नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एनिमेशन के भी जो चार्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आइडल नॉर्मल, आइडल सैड, आइडल हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए जो एनिमेशन जो न्यू स्पेशल करेक्टर के जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे साइड जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेयर आर द टेक्सचर चार्ट डाउनलोड और GD ड्राइव लिंक। अब दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी एक Gmail ID से लॉगिन हो जाना होगा। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद दोस्तों देखिए ये जो आपके जो टेक्सचर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए जो PNG है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर आपको PNG देखने को मिल जाएगी करेक्टर की। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों ऐसे करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ऐसे करके डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है, ऐसा करके आपको डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आप अपना स्पेशल करेक्टर के जो कस्टम करेक्टर हैं वो बनाकर आप नए करेक्टर बनाकर अपने कार्टून वीडियो में यूज़ करके अपने कार्टून वीडियो को बहुत ही अच्छा और बहुत ही HD बना सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।